Hello class, how are you all? I hope all of you fine. So today we will read about English practice book. So please take out your English practice book. And today we will do chapter 1, Sheetal. And please see your contents. Topics, chapter 1 to 23. Okay, so today we will read about chapter 1, Sheetal. So worksheet 1, in lesson 1, Sheetal likes to draw and color some pictures. She displays her pictures on the class bulletin board. Help her to write A or an under each picture. So you have here pictures, okay, and you have to use A or an each and every picture, okay. So in chapter 1, Sheetal, in English read a book, I also told you about A, E, I, O, U, that called vowel, okay. So मतलब आपको पता होगा कि ये जो फाइव वॉवल्स हैं हमारे, जो फाइव इंग्लिश के लेटर्स हैं, इनको आपको याद करके रखना है. ये क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. अगर इन लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले आप क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे, ओके. और इनको छोड़ के, इन पांचों वर्ड्स को छोड़ के, अगर किसी भी लेटर से कुछ भी स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, तो आप उससे पहले क्या यूज़ करेंगे? ए. Okay, so let's start. What is this? This is umbrella, right? So umbrella किससे start होता है? U से. Okay, so U हमारा क्या है? Vowel. So हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? An. And what is this? This is basket. Basket is starts from B. So अब देखिए, B तो इसमें नहीं आता ना, A, E, I, O, U में. सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर A. आइसक्रीम. आइसक्रीम किससे स्टार्ट होता है? आई से, ठीक है. तो ये भी वोवेल का एक पार्ट है, बिकॉज A, E, I, O, U. सो आइसक्रीम इज ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम A, सॉरी I. सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन. ओके, नाउ इट्स मंकी. मंकी देखिए, ए ई आई ओ यू आ रहा है ना, तो मंकी का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एम से. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट योर ए. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एलिफेंट. सो एलिफेंट इज स्टार्ट्स फ्रॉम ई. सो यस, ई इज ऑल्सो वोवेल, सो यू हैव टू राइट योर एन. एंड दिस इज काइट. या सो काइट इज ऑल्सो कंसोनेंट एंड इट्स स्टार्ट फ्रॉम के. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट योर ए. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. प्लीज सी एंड प्लीज राइट इट इन योर बुक एंड ओपन नेक्स्ट पेज. सो वर्कशीट 2. हेयर इज अ पेज फ्रॉम शीतल्स नोटबुक. शी हैज़ रिटन अ फ्यू सेंटेंसेस. देयर आर मिस्टेक्स इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेस. Draw a circle around the mistake and rewrite the sentence correctly. So यहाँ पर क्या है कि शीतल की एक नोटबुक है, उसमें मैं से आपको कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है. उन हर एक सेंटेंस में क्या है? मिस्टेक है. और उसके नीचे आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो वो जो मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. First sentence is Ram has a umbrella. So what is the mistake here? Umbrella. Umbrella is starts from U and U is our vowel. So that's why we don't write here A. What we have to write here? We have to write here an. Ram has an umbrella. Okay. So Ravi likes to eat a apple. ये भी गलत है. क्यों? एप्पल किससे स्टार्ट हुआ है? ए से. और ए हमारा क्या है? वोवेल. सो इससे पहले क्या आना चाहिए था? ए की जगह पर एन. सो व्हाट विल बी आर करेक्ट सेंटेंस? सो आर करेक्ट सेंटेंस विल बी रवि लाइक्स टू ईट एन एप्पल. नेक्स्ट वन, एन पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स. सो अब देखिए, एन किससे पहले लगा हुआ है? पोस्टमैन के. और पोस्टमैन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? पी से. सो पी तो हमारा वोवेल नहीं है, वोवेल तो हमारे पास ही है. ए, ई,
आई ओ यू. सो यहाँ पर क्या आएगा, ए पोस्टमैन. ओके, ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज एन पायलट फ्लाइज अ एरोप्लेन. सो पायलट किससे स्टार्ट होता है, पी से. ओके, सो पी से पहले क्या आना चाहिए, ए. और एरोप्लेन किससे स्टार्ट होता है, ए से. तो इससे पहले क्या आना चाहिए, एन. सो व्हाट विल बी आर करेक्ट सेंटेंस, सो आर करेक्ट सेंटेंस विल बी अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन. ओके, सो नेक्स्ट वन देयर इज एन सूप बाउल. सो व्हाट विल बी आर करेक्ट सेंटेंस, सो सूप किससे स्टार्ट हुआ है, एस से. सो एस हमारा तो वोवेल नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए. ओके, सो दिस इज अ सूप बाउल. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. नाउ we will come next exercise, that is worksheet 3. Write words from the lesson Sheetal which have any of these sound blends, double e, double o, s, h, t, h, n, g. So class first में आपने double sound words सुने होंगे, ठीक है. इसी तरह से आपको कुछ words लिखने हैं जिसमें आपका double e आए, double o आए, n, s, h, sh का sound आए, th का sound आए और एन जी का साउंड आए. ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है स्कूल, गुड, फूड. ओके, स्मूथ, एंड ये तो डबल ओ साउंड वर्ड्स हो गए. फिर एन आई जी एस टी, नाइट, है ना. एंड क्लोथ्स, मॉर्निंग, इवनिंग, शीतल, ब्रश, रिंग एंड टीथ. सो अगर आपको कोई और वर्ड्स भी आते हैं जिसमें आपका डबल ई, डबल ओ, एस एच, टी एच, एन जी साउंड आए तो आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ डू इट इन योर बुक एंड एज वेल इन योर कॉपी ऑल्सो. नाउ बाय बाय क्लास, थैंक यू सो मच. एंड इफ इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. Share also and please comment me if you have any problem. Okay, so bye bye class, thank you.